सहाबी नबी हजरत सैयदुन साद रज़ी अल्लाह अन्हो ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी जान फोत हो गई, तो कौन सा सदका उनके लिए बेहतर है? फरमाया पानी। तो उन्होंने कुआं खुदवाया और कहा हाज़ी ली उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है, माँ के इस वाले सवाब के लिए। इससे पानी के इस वाले सवाब का तो खुले लफ्जों में मिला, सबीले लग रही है ना आजकल अहले बैत अत्तहार के लिए, इस वाले सवाब के लिए तो लग रही होती है। बाद लोग फिर कन्फ्यूज करते रहते, सारा साल पिलाओ, सारा साल पिलाओ। अब ठीक है, सारा साल को नहीं पिलाता, ये दो चार दिन पिलाता तो गुनाहगार हो गया। भाई आपने दो फकीरों को खिलाया, भूखे थे बेचारे, खिलाया, अब को दो को क्या खिलाया, सौ और भूखे मर रहे हैं, सबको खिलाओ यार, दो से हाथ रोक लूँ क्या यार, दो को खिलाए सवाब तो मिलेगा ना यार। तो जिसने दो दिन भी पानी पिलाया, एक गिलास पिला दिया किसी को पानी का, यार सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसलिए कोई नेकी करे इतनी सी हो, बज़ाहिर हमें लगती हो, इसको टोकना रोकना ये अक्लमंदी नहीं है, ये कुरान करीम के हुक्म के ख़िलाफ़ है। जी हाँ, ये वलीद बिन मुग़ीरा की सिफत है कि मन्ना इल्ल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। तो ये वलीद बिन मुग़ीरा रोकता था, तो अब एक दिन भी कोई पानी पिलाता है इसको अब रोकेंगे कि सारा साल पिला मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पिला, नहीं पिलाते सब क्या फ़ायदा होगा वगैरह। तो ये मन्ना इल्ल खैर में आएगा, शरीयत के मुताबिक है तो इसको टोकना नहीं है, को रोकना नहीं है। मशहूर बुजुर्ग गुजरे शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने वालिद साहब का बड़ा प्यारा वाक़या इन्होंने नकल किया। वालिद साहब इनके थे शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ मेरे पास नियाज देने के लिए कोई चीज़ मुयसर नहीं थी, आखिरकार कुछ भुने हुए चने और गुड़ मेरे पास था, मैंने उस पर नियाज कर दी। रात को मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अनवा व अकसाम यानी कि तरह तरह की खाने की चीज़ें जिसको हम डिशें कहते हैं, तरह तरह की खाने की डिशें हाजिर हैं और उनमें वो गुड़ भुने हुए चने जो मेमनी में डालिए बोलते हैं वो भी हाजिर थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मुसर्रत और इल्तिफात फरमाया, काफ़ी खुशी का इजहार किया और तवज्जो डाली, वो जो चने वगैरह थे तलब फरमा मुझे दो, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाया, चने गुड़ वगैरह उनको खाया और कुछ आपने जो असहाब थे उनको भी तकसीम किया। हवाला अनफासुल आरिफीन सफ़ा नंबर 76, ये शाह वलीउल्लाह साहब की इनकी अपनी किताब है, ये बाज़ार में मिल सकती है। अब देखो अनवा अकसाम के खाने थे लेकिन वो चने और गुड़ का तस्करा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाया, जिसमें जितना इखलास होगा खुलूस होगा बारगाह खुदावंदी में बारगाह मुस्तफ़ी में वो पसंद होता है। हमारे यहाँ का ये ज़बान के अल्फाज नहीं, वहाँ दिल देखे जाते। मैंने वो दो तरह की तरकीब की है, एक तो है नियाज हुसैन व दीगर शहीदान असीरान करबला, तारीख शहादत 10 मुहर्रम शरीफ योम आशूरा, मिन जानिब सगे मदीना मोहम्मद इलियास कादरी उफियानो इल्तिजा मुकद्दस तहरीर का एहतराम कीजिए। ये सबसे कम सिन शहीद करबला हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम अली मकाम के 6 महीने के शहजादे थे जो करबला में शहीद हुए थे, उनके साल सवाब के लिए मेरा जहन बना कि मैं कुछ हजरत अली असगर की नियाज का भी करूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सादात किराम के बच्चों को ये पेश करूं। आप भी कीजिए, अगर कोई जैसे कि बे औलाद है, अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए, हर नेकी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा सकता है, कोई इसमें मुजायका नहीं है। तो आप ये नीयत कर लें जिनकी औलाद नहीं है कि मैं हजरत अली असगर जो करबला के सबसे नन्हे शहीद हैं इनके इस वाले सवाब के लिए मैं इतनी नियाज करूँगा, कोई रकम फिक्स कर लें तो भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, कोई आइटम फिक्स करना ये भी ज़रूरी नहीं है। हमने कोशिश की कि जो भी ऐसी चीज़ें डाली जाए जो सेहत के लिए मुफीद हो, ये कोशिश की है, जैसे चने हैं, बादाम है, इंजीर है, मूँगफली अच्छी चीज़ है, खिचड़ा इन दिनों बड़ा मशहूर होता है कि लोग खिचड़े की नियाज ज़्यादा करते हैं, हरज नहीं है, 100% जायज़ है, खिचड़ा खाना खिलाना इस वाले सवाब करना।
कुछ ना कुछ नियाज जरूर कीजिएगा, चाहे चावल करें, चाहे खिचड़ी करें, चाहे खिचड़ा करें, चाहे खजूर रोटी बांटें।